भीख मांगो कटोरा लेके, दे दे राम दिला दे राम, देने वाला सीताराम। दोस्तों वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग में स्वागत है आप सभी का। तो कैसे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार प्रणाम करता हूँ सबको आप लोग को। तो आज मेरी बाइक देखी एकदम देख ही सकते हैं आप लोग, महसूस कर ही सकते हैं कि क्या है, जो है जो यही ना, तो इसी का ना तारीफ करेंगे। और है कौन मेरा यार दोस्तों, कोई नहीं है, क्या बताएं दोस्तों। हम ऐसे अकेले जीते हैं मरते हैं, कोई हमें देखने वाला कोई नहीं है। तो दोस्तों पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं। भीख मांगो कटोरा लेके, दे दे राम दिला दे राम, देने वाला सीताराम। तो आजकल के जमाने में अपना है तो अपना पैर पे खड़े रहो, अपना जो कर्तव्य है काम है वो करते रहो, किसी दूसरे का भरोसा नहीं करना है दोस्तों। बैठ के बेटा तो आज मेरे तरह ही ठोकर खाइएगा दोस्तों, याद रखिएगा। जैसे कि हम लोग एक चेतावनी हम दे रहे हैं दोस्तों, दूसरे के भरोसे पे कभी नहीं रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम भी दूसरे के भरोसे किए थे कभी, तब आज इस मुकाम पर मत पहुँचे हुए हैं। ठोकर खा रहे हैं आज यूट्यूब पर वीडियो बनाना पड़ रहा है। कभी सोचे न हम, हमारा तो मतलब शौक था दोस्तों कि यूट्यूब मतलब होता क्या है, हमें पता नहीं था कि यूट्यूब बोलते क्या चीज़ को है। पर हमारा एक पहले से ही मन था दोस्तों कि हम पढ़ाई करके कुछ करें, चाहे हम अपने से कुछ करें, अकेले करें चाहे किसी के साथ करें, पर ज़रूर अपने लाइफ में कुछ ऐसा बनाएंगे जो कभी देखने को होगा, चाहे कभी कोई देखेंगे। पर इनके लाइफ में क्या था हमें तो पता नहीं था। ये देखिए दोस्तों, बाबू मेरा जेब से निकाल लिया पैसा। कर दो चाचा लोग को प्रणाम, कर दो हाथ जोड़ कर प्रणाम। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों, किसी दूसरे पे भरोसा ना करें, अपना जो मन कहता वही करें। जो दूसरे में भरोसा करता है दोस्तों वही ठोकर खाता है, और वही हमेशा ही खा चुके हैं दोस्तों, हमेशा दोस्तों जिंदगी भर ही ठोकर खाए। अभी तक खाए हैं ठोकर, आप सही लाइन पे आ चुके हैं, अपना दिमाग से चलते हैं तो फट गया। इधर से लाइट नहीं आ रहा, लाइट नहीं चार्ज है जी, पहले कर दीजिए। तो दोस्तों आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, हमारा लाइट चार्ज लगेगा। देख सकते हैं हमारा गेहूं मतलब दोस्तों दिन सूखा नहीं था अच्छा से, और हमें लगा सूख गया, तो अब ये चलते हैं हम लोग। आज दोस्तों अभी थोड़ा सा धूप किया तो एक से दो घंटा भी सूख जाएगा दोस्तों, तो हमारा गेहूं पिसाने लायक हो जाएगा, अच्छे से सूख जाएगा दोस्तों, हल्का फल्का खाली गीला। तो अब हम लोग चलते हैं ऊपर छत पर, हम इसे इसमें देंगे दोस्तों, आज खाली छत पर नहीं देंगे, धूल मिट्टी होगा ना दोस्त जी बारिश हुआ तो। अभी ये कहाँ जा रहे हैं, कुली बने तो दोस्तों चलिए अब हम लोग छत पे आ सकते हैं। हम लोग छत पे आ गए हैं और अब दोस्तों जा रहे हैं हम लोग गेहूँ पसंद, देख सकते हैं धूप काफ़ी ज़्यादा है, और दोस्तों देख सकते हैं बारिश गिरने से क्या हो गया, इधर का पूरा पानी एकदम भर गया है। तो दोस्तों धूप तो काफ़ी, और देख सकते ये क्या कर रहे हैं महाराज जी गेहूँ सुखाने के पीछे। दोस्तों नहीं सुखाएंगे तो खाएंगे कहाँ। दोस्तों देख सकते हैं गेहूँ, और दोस्तों धूप काफ़ी ज़्यादा है हाँ, तो देख सकते हैं ये गेहूँ सही से आराम से, अब गिरना नहीं चाहिए नीचे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये गेहूँ पसार रहे हैं, जैसा कलर का दोस्तों बेडशीट है वैसा ही कलर का गेहूँ भी है, कुछ साफ साफ भी नहीं दिख रहा है। चूहा तो फिर आ रही है, चूहा तो पंछी आया था मैना खा गया।
तो दोस्तों ये गेहूं देख सकते हैं और नरम ही नरम होता जा रहा है। हमारा बाबू दोस्तों गेहूं में टहल रहा है, ऐसा लगता है कोई ब्रिज में टहल रहा है। तो हम लोग छत पे से घर पे आ गए हैं और देख सकते हैं ये थोड़ा ही देर में था ना इनका पसीना शरीर में गर्मी लेके गएंगे हम तो नहीं गर्मी लगेगा पसारा तो गर्मी नहीं लगेगा दोस्तों। दोस्तों हमें छत पे जाने से गर्मी बहुत ज्यादा लगता है। लुगाई का आंचल पोछने में बहुत बढ़िया से पोछा जाता है। सही बात है दोस्तों। देखिए दोस्तों देख सकते हैं मैंने बोले खचड़ीनी जननी से मुंह लगावे में बड़ी मजा आवे लाला हमारा के ये खचड़ीनी जननी है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं मीना बोल रहे हैं कि हमें कहीं लेके चलिए घुमाने के लिए, तो ये बोल रहे हैं नहीं हम लेके जाएंगे बेचने जाएंगे। चलो गोला दबा देंगे गोला खत्म ही बुला देंगे तो फिर हम भी मर जाएंगे। तो ये सब के बारे में तो दोस्तों हम आज उसी का फोटो लगाएंगे। बोल रहे थे क्या कि हमारी जो दीदी है नंदिनी आशीष जी हमारे जीजा और दीदी उन लोग दोस्तों हमें क्या करती है टाटा बुला रही है। टाटा बुला रही थी दोस्तों कि हाँ फिर हमें समझाती भी दोस्तों कि वीडियो ऐसे बनाओ वैसे बना हेल्प भी बहुत ज़्यादा करती है। पर अभी हम नए नए हैं दोस्तों इसलिए कुछ हेल्प लेते हैं। दोस्तों अपने जानते तो हम इतना करते ही है पर फिर भी हमसे जो होता है वो और पर फिर भी दोस्तों अच्छे से हमसे इतना भी कोशिश करते दोस्तों अच्छे से करें पर हमारा वीडियो ही नहीं अभी तो हम मत बताइए कि क्या हो गया यार किसकी नज़र हमें लग गई है हमारे पूरे परिवार को। तो ठीक है दोस्तों ब्लॉग को बोलो। हेलो दोस्तों हमारे घर का लाइट कट गई है। किसके नाम है अंजलि? दोस्तों हमारी बहन का नाम है अंजलि तो उसे अंजलि अंजलि करके मौसी याद आ गया दोस्तों इसलिए अंजलि अंजलि हम पूरा रटे जा रहा अंजलि आई थी सपना में जी तो इसके सपना में आज इसकी मौसी आई थी। अकेले पे आती क्या जी? अकेले पे आती हाँ सुने पे आती भगवान जाने दोस्तों छोटा बच्चा जो मन में आता बोल देता है वो बटर बटर करते रहता है। दोस्तों हमारी लाइन कट गई है गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा ही गर्मी कुछ लग रही है कुछ नहीं चाहिए पहले दोस्त एक हमारा सपना है एक हमारा अपना घर जिसमें मिल गया कि करते अपना घर का बहुत घर रहे एकदम अच्छा और किचन रहे टाइल्स एकदम लगा हुआ रहे। बड़ा बड़ा सपना नहीं दोस्तों हमारा एक शुरू से सपना था कि शादी के बाद जाएंगे हमारा वैसा घर रहना चाहिए। बड़ा बड़ा सपना दोस्तों अभी सही कर रही है कोई भी हमारा पहले से था कोई भी कुमारी लड़की का एक शौक होता है कि हमारे ससुराल जाए तो ये ठीक रहेगा शादी के बाद ये खुशी हमें मिलेगा सब के मन में होता है ये खाली एक हम अकेला लड़की नहीं है जिसे हम में चॉइस दोस्तों बहुत लड़की है और बहुत हमारी बहन भी है जो भी हमारी यूट्यूबर बहन है दोस्तों सभी के मन में शादी से पहले ख्वाहिश रहता है कि हमारा एक अपना घर हो। तो दोस्तों घर है भी तो ऐसा जगह है कि वहाँ पर जा नहीं पाएंगे जाते हैं तो हमारी सास जो है गाली गलौज कुछ दिन रहेंगे ठीक रहेगी और उसके बाद जाके इसीलिए नहीं यही चलते ही देखिए दोस्तों क्या क्या बोल रही है संडे बोले जा रही है जो समझ में आ रहा है। तो दोस्तों हमारे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा आप लोग। तो दोस्तों हमारे वीडियो बहुत ही लंबा होते जा रहा है तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और जो लोग हमारे वीडियो में नए हैं जल्दी से जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले दोस्तों। ये साड़ी दोस्तों हमारा नहीं है हमारी दीदी का हमारी जो दोस्तों लाइक करें कमेंट करें साड़ी आज पहन दबाएंगे तो आप लोग साड़ी बताइएगा दोस्तों कैसा है
चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी।